दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के लीग स्टेज के सभी मैचों के खत्म होने के बाद अब आईपीएल 2024 का पहला ट्रेड विंडो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है और इस ट्रेड विंडो में पहला ट्रेड रोमारियो सेफर्ड के रूप में देखने को मिला था और अब कुछ और बड़े प्लेयर्स ट्रेड हो रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको ट्रेड होने वाले प्लेयर्स की पहली लिस्ट बताएंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहे, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल का पहला ट्रेड विंडो स्टार्ट हो चुका है और अब कुछ दिनों में सभी टीमें रिटेन रिलीज प्लेयर्स की लिस्ट भी जारी करेगी। तो जैसे ही कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड होगा तो सबसे पहले अपडेट हम अपने टेलीग्राम चैनल पे देंगे। तो आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को ओपन करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले या फिर टेलीग्राम पे जा करके TPC44 सर्च करके हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर ले, क्योंकि जैसे ही कोई प्लेयर ट्रेड होगा तो सबसे पहले अपडेट हम अपने टेलीग्राम पे देंगे। तो फटाफट से टेलीग्राम पे फॉलो कर ले। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आईपीएल 2024 के ट्रेड विंडो में ट्रेड होने वाले सभी प्लेयर्स का नाम बता देते हैं। तो इस लिस्ट के पहले बड़े प्लेयर है रोमारियो सेफर्ड, जो कि पहले लखनऊ सुपर जायंट की टीम की तरफ से खेला करते थे, लेकिन आईपीएल 2024 में अब वो पहले ट्रेड प्लेयर बन चुके हैं जहां पे रोमारियो सेफर्ड को मुंबई इंडियंस की टीम ने अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया। तो कुल मिलाकर के रोमारियो सेफर्ड लखनऊ सुपर जायंट से ट्रेड होकर के मुंबई इंडियंस की टीम में ऑफिशियली आ चुके हैं और ये आईपीएल 2024 का पहला ऑफिशियल ट्रेड था। इसके बाद इस लिस्ट के दूसरे बड़े प्लेयर हैं कैगिसो रबाडा, और कैगिसो रबाडा को भी मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से ट्रेड का प्रपोजल मिला है, जहां पे पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस मैनेजमेंट के बीच रबाडा के ट्रेड को लेकर के बातचीत चल रहा है और हाईली चांस है कि रबाडा ट्रेड होकर के मुंबई में चले आएंगे और इसके बदले मुंबई हो सकता है जोफ्रा आर्चर को पंजाब किंग्स की टीम में भेज दे। तो कुल मिलाकर के अभी रबाडा के ट्रेड में मुंबई इंडियंस की टीम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड है। इसके बाद इस लिस्ट के तीसरे बड़े प्लेयर है क्विंटन डिकॉक, और क्विंटन डिकॉक का काफी बढ़िया फॉर्म है, जो कि लखनऊ सुपर जायंट के प्लेयर है, लेकिन करेंट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग SRH यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद क्विंटन डिकॉक को ट्रेड करना चाहती है और डिकॉक के ट्रेड के ऊपर SRH और LSG मैनेजमेंट के बीच भीतर ही भीतर बातचीत चल रहा है और आने वाले समय में क्विंटन डिकॉक ट्रेड होकर के लखनऊ से हैदराबाद में आ सकते हैं, जिसका आधिकारिक घोषणा जल्द ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके बाद इस लिस्ट के चौथे बड़े प्लेयर हैं शार्दुल ठाकुर, जो कि अभी कोलकाता नाइट राइडर्स के प्लेयर है। तो शार्दुल ठाकुर को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम अपने स्क्वाड में ट्रेड कर सकती है, जहाँ पे शार्दुल ठाकुर के ट्रेड के बदले RCB अपने स्क्वाड से हर्षल पटेल और करण शर्मा को कोलकाता नाइट राइडर्स में भेज सकती है। तो कुल मिलाकर के अभी शार्दुल ठाकुर RCB टीम के कांटेक्ट में है और आने वाले समय में ऑफिशियल रूप से RCB टीम में ट्रेड हो सकते हैं। वहीं इस लिस्ट के पांचवें अंतिम प्लेयर हैं वॉशिंगटन सुंदर, और वॉशिंगटन सुंदर को कोलकाता नाइट राइडर्स के कैंप में यहां पे देखा गया था। तो अब कयास लगाया जा रहा है कि वॉशिंगटन सुंदर जल्द ही ट्रेड होकर के KKR की टीम को ज्वाइन करेंगे। तो आने वाले समय में वॉशिंगटन सुंदर भी ट्रेड विंडो में KKR की टीम में जा सकते हैं। तो ये था पांच बड़े प्लेयर्स का नाम, जिसमें से एक प्लेयर ट्रेड हो चुका है और बाकी के चार प्लेयर आने वाले समय में ट्रेड होंगे, जिसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट जल्द ही होगा। तो ये था IPL 2024 के ट्रेड प्लेयर्स की लिस्ट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।